हमारे सभी बुजुर्ग नेता, नौजवान भाइयों, बहनों, साथियों, मिलिंद देवी कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है उसके आज में मुरली भाई का सपना है। और कल गांधी जी की पुण्यतिथि थी, भाई जगताप जी ने जो कार्यक्रम, चरण सिंह सपना जी ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया MRCC में, पूरे मुंबई के 227 वार्ड में जूम पे लाइव हम लोग देख रहे थे MRCC में बैठकर, कि इन 227 वार्ड में जिनके पास यूनिवर्सल ऑफिस है और जिनके पास ऑफिस नहीं है, वो लोग ने रस्ते पे गांधी जी करके अपने श्रद्धा के फूल उनको अर्पण किए। तो मुझको मिलिंद भाई दो लोगों की याद आई, उस प्रोग्राम को देखते हुए दो लोगों की याद आई कि अगर आज दो लोगों की आत्मा बहुत खुश होगी तो एक है, उनका नाम है मुरली देवरा जी और दूसरे है सुनील दत्त जी। अगर वो दो लोग होते तो आज इस कार्यक्रम को देख के इतना खुश होते कि गांधी जी के आदर्श आज भी जिंदा है और उन्हीं आदर्शों के ऊपर चल के ही हम ये जो दिल्ली के अंदर सरकार है उसको और BJP की जो सरकार यहाँ पर है उसको बदल पाएंगे। हर आदमी, हर कार्यकर्ता, छोटा बड़ा की आंखों में जोश था और वो चाहते थे कि हम गांधी जी के बताए रास्ते पे चलना चाहते हैं। मैं, जैसा लश्करी भाई ने कहा, मैं कोई भाषण नहीं करना चाहता हूं क्योंकि परिवार में हम लोग हैं। तकरीबन हर व्यक्ति को मिलिंद देवरा जी यहाँ पर शक्ल और नाम भाई है, और हमारे लिए तो भाई जगताप अध्यक्ष बनना मतलब बहुत लड्डू है। एक तो मुंबई के अध्यक्ष है और आपकी कर्मभूमि भी दक्षिण मुंबई है, साहब खारे लड्डू आदि के हम सब आदि के हम तो हाथ में लेकर घूम रहे, हाथ तो खा रहे हो अच्छा घूमने के बाद। ये मोहब्बत है, ये अपनापन है। और भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि 31 कॉर्पोरेटर है हम आपको 30 जीत के दे रहे हैं, हम आपको 25 जीत के दे, मैं नहीं कहूंगा। मगर ये यकीन दिलाता हूं इन कार्यकर्ताओं के जो सैलाब को देख कर के जो सबसे ज्यादा सीट अगर जिस जिले से चुन के आएगी तो दक्षिण मुंबई होगा। और आपने जो कहा है कि हमारा मेयर बनेगा या हमारे वजह से मेयर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कोशिश रहेगी कि हमारा कांग्रेस का मेयर बने, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और ये मैंने कहता हूं, ये गीता का सार है। और वनवास तो खत्म होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनवास खत्म हुआ तो कांग्रेस का भी वनवास मुंबई महानगर पालिका से खत्म होने जा रहा है। और आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। अमीन आश्वासन में भाई जगताप को जिंदाबाद ऐसे आमदार नहीं दे रहा हूं, आप जैसे कार्यकर्ताओं के वजह से दे रहा हूं। और मुझको पूरा यकीन और पूरा भरोसा है कि मिलिंद देवरा जी का दक्षिण मुंबई में नेतृत्व, भाई जगताप का मार्गदर्शन और कार्यकर्ता की ताकत इन सीटों पे लड़ेगी और हम ज्यादा से ज्यादा चीन कर जो है मुंबई महानगर पालिका में पहुंचोगे। इसी बात के साथ में आपसे इजाजत देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।